दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बीबी न्यूज क्विज कॉम्पिटिशन के इस वीक के विनर का नाम हमने डिक्लेयर कर दिया है। आप हमारे कम्युनिटी टैब में जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। हेलो दोस्तों, आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है SBI बैंक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी SBI के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है, क्योंकि SBI ने अपने ATM कार्ड को लेके एक बड़ा बदलाव किया है। इसलिए आप ये पूरा खबर देखें ताकि आपको मालूम चल सके SBI ने अपने बैंकिंग सिस्टम और ATM कार्ड को लेके क्या बड़े बदलाव किए हैं। तो आइए सीधे चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। SBI के ग्राहक हो जाए सावधान, 1 जनवरी 2019 से ये कार्ड नहीं करेगा काम। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में देश के सबसे बड़े बैंक SBI के ग्राहक पुराने डेबिट कार्ड से रुपए नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि अगर वे अभी तक पुराने मैजिस्ट्रिप कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे 31 दिसंबर 2018 से पहले बदलवा लें, क्योंकि 1 जनवरी 2018 से इस कार्ड से किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है। इसके बदले बैंक ने नई चिप वाला EVM कार्ड दे रहा है। इसीलिए जिनके पास पुराना मैग्नेटिक कार्ड है वे 2 हफ्ते के भीतर ही अपना कार्ड बदलवा ले, क्योंकि ATM मशीन 1 जनवरी से ऐसे कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसकी जानकारी बैंक ने अगस्त महीने में ही ट्वीट करके दे दी थी। नए कार्ड के लिए ग्राहक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन ग्राहकों को ऑनलाइन दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वे ब्रांच में जाकर आवेदन कर सकते हैं। मैग्नेटिक कार्ड को फरवरी 2017 से बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ये चलन में था, लेकिन अब 31 दिसंबर 2018 से इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले वाली कार्ड में काली पट्टी लगी होती थी, इसे मैग्नेटिक स्ट्रिप कहा जाता है। कस्टमर की पूरी जानकारी इसमें होती है। RBI का मानना है कि यह टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो चुकी है, इसीलिए यह बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं रह गया है। इसलिए बैंक ने नया ATM कार्ड जारी किया है। नया EVM कार्ड ज्यादा सुरक्षित है। इस कार्ड में एक चिप लगी होती है जिससे ग्राहक के बारे में पूरी जानकारी होती है, और वो सारी जानकारी इनक्रिप्टेड होती है, जिसकी वजह से डेटा का चोरी करना मुश्किल होता है। और साथ ही इस कार्ड की क्लोनिंग नहीं की जा सकती है। पुराने क्लासिक और मेस्ट्रो कार्ड मैग्नेटिक कार्ड है, इनमें चिप नहीं लगे हैं, इसलिए ये कार्ड बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी SBI को लेके बड़ी खबर। अगर आप भी SBI का पुराना ATM कार्ड यानी कि मैग्नेटिक चिप वाला कार्ड यूज करते हैं तो जल्द से जल्द उसे बदलवा ले, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद आपका ये कार्ड काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करें, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहे। धन्यवाद।